हेलो गाइस, बहुत ही दिनों बाद आपका फिर से स्वागत है SRS ब्लॉग्स पे। गाइस, आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। आज मैं फूड ब्लॉग करने वाला हूँ। हम लोग पास्ता बनाने वाले हैं, बहुत ही अलग रेसिपी रहेगी इसकी। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट, लेट्स गो। तो ये है हमारा किचन और आज यहीं पे पास्ता बनने वाला है। गाइस, सीन ऐसा है कि हमारे नेबरहुड में एक आंटी है जिनका फूड बहुत ही अच्छा रहता है। तो एक बार मैंने उनके हाथ का पास्ता खाया था, तो बहुत ही बढ़िया था वो पास्ता और कुछ अलग ही रेसिपी थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे वीडियो के लिए आप हमारे घर पे आइए और हमें हेल्प कीजिए। तो वो स्पेशली आ रहे हैं, तो पास्ता आज हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने पास्ता रेडी रखा है और ये कुछ पास्ता मसाला है, ठीक है, और ये बाकी का मैं आपको आने के बाद ही बताऊंगा। A few moments later, ये वो आंटी जो आज पास्ता बनाने वाले। तो सबसे पहले थैंक यू इनको आने के लिए। नमस्ते। तो चलो देखते हैं क्या क्या हम चीजें यूज करने वाले। तो हम यूज करने वाले हैं पास्ता, कांदा और ये अदरक लहसुन पेस्ट, और फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, नमक, पास्ता मसाला, और ये है गाइज टोमेटो प्यूरी। तो अब देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो किचन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डालेंगे तेल, 3 चम्मच तेल। एक्चुअली गाइज ये डिपेंड है क्वांटिटी पे, हम आधा किलो पास्ता यूज़ कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना क्वांटिटी का पास्ता डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे उसमें कांदा, तो गाइज हम कांदे को 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक वो थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाता तब तक। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट एंड देन टोमेटो प्यूरी। फिर उसमें हम ऐड करेंगे पानी जो क्वांटिटी के हिसाब से होगा, पर गाइज हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका सूप पीना है। और फिर उसके बाद डालेंगे हम पास्ता मसाला। चलो फिर अब इसमें पास्ता मिलाया जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया जो हमारे पास्ता को और डिलीशियस बना देगा। ओ भाई, किचन के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, इसलिए मैं आ गया हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। और गाइज 10 से 15 मिनट के लिए हमें उसे उबालना है और बीच बीच में मिक्स भी करना है चम्मच से। और गाइज फाइनली हमारा जो पास्ता है बन गया है और देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो चलो ट्राई करते हैं। वाह वाह, क्या बात है, एक नंबर झकास। गाइस आप बाद में सॉस भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट और बढ़िया होती है इससे। इस पास्ता की जो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है गाइस। तो आज का वीडियो गाइज यहीं पे एंड होता है। फॉर व्हाट एवर रीजन आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज, एंजॉय द डे, एंजॉय द लाइफ।